सो हेलो गाइस, दिस इज हैरी फ्रॉम फूड अफेयर्स एंड वेलकम टू आवर फूडी चैनल। सो गाइस, आज हम आए नेहरू प्लेस में। नेहरू प्लेस में आए हम एक अंकल जी के पास, जो अंकल जी शीला जी मतलब सेल करते भाई, मतलब इनका इतना नाम हो गया ना, बंदे फेमस कर दिया लोगों ने, और अंकल जी इतना फेमस हो गए, नेचर से भी बहुत अच्छे। तो अभी थोड़ा सा चलते और पूछताछ करते अंकल के बारे में, और मतलब जो जो सामान बेचते हैं अंकल के बारे में। सो कीप वॉचिंग गाइस, और चैनल पर नया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना। सो गाइस, अभी हम आए अंकल जी के पास और अंकल जी सामान बेचते हैं, तो बताओ अंकल जी कुछ। तो देखो, मेरे पास में दो चार बूटी जो होती है, ये पहाड़ी होती है और पहले के जमानों की आइटम। इसका नाम तो कहते हैं सतावर फल। सतावर फल, ये सबसे कीमती और ताकत वाली चीज। अच्छा, और इसको कहते हैं देखो अश्वगंधा। अश्वगंधा, अरे अंकल जी मैंने बहुत देखा पाउडर वाला। अच्छा, आज मैंने देखा साबुत। तो ये अश्वगंधा है, ये काम आता है शरीर की मजबूत करने वाली। अच्छा, और शरीर में ताकत देने वाली। क्या बात है। और इसमें देखो सबसे कीमती आइटम ये होता है, जिसको मूसली सफेद कहते हैं। अच्छा, सफेद मूसली जो बोलता है, मूसली इसको कहते हैं। ये पहाड़ी आइटम का खुद निकालता हूँ और खुद बरोबर इसका सेल करता हूँ। हाँ। तो देखो इसका नाम मूसली सफेद कहते हैं। ओके ओके ओके। ये अंदर की ताकत को फिर से नया बना देते। अच्छा, नया बना देता बिल्कुल। मैं पावर और ताकत पैदा कर। अच्छा, और ये मेन आइटम देखो ये है मेरे पास। ये क्या अंकल जी? ये है देखो, ये पहाड़ों में और पत्थरों से ये निकलता है। क्या शीलाजीत? शीलाजीत इसका नाम कहते हैं। अच्छा, तो ये बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों में और बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों के बीच में। अच्छा, से ये निकलता। ये ओरिजिनल है बाबा? ओरिजिनल। और शीलाजीत जो होता है, इसको पहाड़ में जब पैदा होता है। अच्छा, तो इसको लंगूर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। लंगूर, लंगूरों से बचाने के बाद। अच्छा, इंसान के हाथ में टकराता है। अच्छा, वो शीलाजीत नहीं है जो आम जगह में टकराता है और मिलता है। अच्छा, बाबा के पास में एक नंबर का शीलाजीत मिलता है। क्या बात और है। असली शीलाजीत का जानकारी देखो ये होता है, कभी भी कोई को लेने का जरूरत है। अच्छा, तो शीलाजीत को ऐसे आग से या माचिस से गर्म कर दो, जला दो। अच्छा, जला दो। अगर असली शीलाजीत होगा, कभी जल नहीं जगेगा। अच्छा, कभी इसमें से धुआं पानी नहीं निकलेगा। और असली शीलाजीत का एक पकड़तन तार खींचो, असली शीलाजीत का 10 फुट से 20 फुट। क्या बात है। 25-50 फुट थोड़ी खींचो। अच्छा, अगर असली माल है। अच्छा, और बेचने वाले ने धोखाधड़ी नहीं किया, तो देखो इसका असली पहचान ये होता है। ये पहचान कर लो और जिंदगी में शीलाजीत को खा लो। ठंडी के टाइम में 50,000 का घी, दूध, मलाई, मक्खन खाओगे, शीलाजीत का मुकाबला। अरे नहीं, क्या बात है, क्या बात। असली शीलाजीत का धागा पकड़ कर ऐसे खींचो और 10-20 फुट का खींचो और 50 फुट का खींचो। अगर असली शीलाजीत है तो कभी इसका बाल जो है क्रेक ना होना चाहिए और टूटना नहीं चाहिए। दूसरा शीलाजीत का फायदा, बाबा की उम्र आज का टाइम 82 का चल रहा है और बाबा पैरों पर बैठ के काम करता है। 5 दिन आराम से बैठ के काम करो, कभी कोई जवान आदमी जमीन पकड़ के हाथ पकड़ कर उठ जाते हैं, मगर बाबा इस तरह से उठ जाओ बाबा, और आपके... इस तरीके से बैठ जाओ और इस तरीके से उठ जाओ और इस तरीके से बैठो और इस तरीके से उठ जाओ। ये जोड़ नहीं दुखने, कमर नहीं दुखने, हड्डी नहीं दुखने देगा। दूसरा फायदा शीलाजीत का, पेट में हवा भर जाती है, गैस बन जाती है, एसिड बन जाती है, जलन बन जाती है, पित्त बन जाता है, उसको खत्म पैदा करेगा। 10-20 साल का हड्डियाँ और जोड़ ये बचपनाई जैसे बना देता है, इतनी हड्डी को ये जानदार बना देता है। और भूख डबल लगता है इसके खाने से। और इसके अंदर में देखो ये चीज डालना पड़ता है, इसका नाम दुनिया संसार भारत जानता है, इसका नाम छोटी हरड़ कहते हैं। ये सच्चे जमानों की आइटम बता रहा हूँ। तो ये जो चीज है, ये बहुत ताकत वाली चीज और भूख लगाने वाली आइटम है। और इसके अंदर में देखो ये आइटम आपके खेतों में पैदा होती है अजवाइन, और ये अपने आप पहाड़ों जंगलों में पैदा होती है। ना इसकी रूखड़ी लगाओ, ना इसका पेड़ी लगाओ और ना इसका कोई चोबा लगाओ, ये अपने आप कुदरत से बन जाता है। इसको पहाड़ी अजवाइन, ये किस लिए कि जिन आदमी के शरीर में यहाँ से यहाँ जलन चालू हो गया,
गैस बनती है, तेजाब बनता है, एसिड बनता है, उसको निकाल के ख़त्म पैदा करेगा। और कमर को तो ऐसा बना देगा जैसे पत्थर का रस बना दिया, इतनी कमर को यह ताकत पैदा करेगा। और शरीर के अंदर में पावर और शक्ति और मजबूती ज़्यादा मिल जाती है, हड्डियों को जानदार बना देता है। यह सच्चे जमानों के फार्मूले हैं। पहले के जमानों में हकीम और वैद्य बराबर मिलते थे, 500 गांव से चल के आते थे। और जैसे बाबा यहाँ कूट के बना के देता है, नज़र के सामने में बना के तैयार करके देता हूँ, शाम के टाइम खाना खाने के बाद रोज इतना इतना ले, लाखों रुपए आपने खर्च कर दिए, बर्बाद कर दिए। अजी ये सच्चे फार्मूले को एक बार टच करके देखो, जिंदगी में बाबा को याद करोगे, शरीर में गंदी गर्मी नहीं लगेगा, शरीर में कभी थकान नहीं लगेगा और सुस्त और ढीलापन नहीं लगेगा। दो दिन का बासी रोटी पेट में डाल देना, वो भी गला पचा कर हजम करेगा। 5 दिन अपने पैरों पर टिक के और बैठ के काम करना, कभी हड्डी और कभी जोड़ और कभी कमर का दुखने का चांस नहीं मिलने देता है। शरीर में शक्ति अच्छा मिलता है, खाना खुराक इससे अच्छा मिल जाता है, इतना इसका पावर होता है। और मेन आइटम तो देखो ये है, मेन आइटम इसको कहते हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर में और पत्थरों के अंदर में निकलता है। इसका नाम शिलाजीत शुद्ध कहते हैं। 21 बार शुद्ध करो जब शिलाजीत सही बनता है। और ये शिलाजीत तुम्हारे आम जगह में कचरा वाला आप लोग खा जाते हो और ले जाते हो, बाबा ऐसा माल नहीं है मेरे पास। मेरे पास में एक नंबर का शुद्ध और साफ किया हुआ आइटम। एक बार इमली छोड़ना पड़ेगा, खटाई जो होती है, अगर देसी आइटम को इस्तेमाल करते हो तो इमली ना खाओ बस। बाबा तो यहाँ भी बैठ कर नज़र के सामने में तैयार करता है। और जिस बाबू को बाहर लेने का है और बाहर से मेरा आइटम मंगाने का है, पहले मेरा फ़ोन नंबर कर लो। तो ये मेरे फ़ोन नंबर है, अगर कोरियल द्वार से कोई मंगाते, इतना बदन का शक्ति और इतना बदन का पावर। यह है मेरा देखो नंबर और यह है मेरा पता, तो इस पते से बाबा मंगाओ आप तो बाबा कोरियल भी कर देता है। और नज़र के सामने में आओगे तो नज़र के सामने यहाँ कूट काट के तैयार कर कर देता हूँ, बरोबर एक आदमी का फार्मूला ये सब मिला के बना कर देता हूँ। तो बाबा ये है देसी आइटम। और जंगली आइटम है, ये सच्चे जमानों की आइटम है, केमिकल वाला काम नहीं है, गोली वाला काम नहीं है, सच्ची जिंदी बूटियाँ है ये और पहाड़ी बूटियाँ है, ये कोई ऐसी तैसी आइटम नहीं है, जंगल का सच्चा आइटम है। और नज़र के सामने में बाबा यहाँ खरर के अंदर में कूट के बनाता है, हेरा फेरी से नहीं बनाता है, नज़र के सामने में बनता है।